Oh. सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहैः ॐ शान्तिः 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 ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्म श्रीगुरे नम तस्म श्रीगुरे नम ओ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्यो नमो गुभ्यद भिषजे भविणा गुरव दक्षिणाूर्त नम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कं सचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटाजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि नः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्म नम देवाय तस्म नम सर्वधर्मा पर मेक शरण व्रज अहं मा मोक्ष हरि ओम श्रीमद्भगवद्गीता जो मुख्य रूप से मोक्ष ग्रंथ है गौण रूप से व्यवहार में भी हमें मदद देने वाला ग्रंथ है इसको हम एक विहंग वीक्षण देखने का प्रयास प्रयास कर रहे हैं तीन महीने में एक एक हफ्ते में छः छः अध्याय देखने का ये जो भगवत गीता जी है सारे उपनिषदों का सार है सर्वोपनिषदों गावा दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी ही भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत ये गीता जो है ये अमृत है ये दूध है और भगवान श्री कृष्ण रूपी दोग्धा जो है अर्जुन रूपी बछड़ा जो है उनके लिए उन्होंने दोहन करके दिया है और हम सब भी अर्जुन बनना है तो क्या लक्षण होना है उन्होंने कहा सुधी ही जिनका धी या जिनका बुद्धि जो है ऊपर के ऊर्ध तरफ है ऊर्धव के गति के तरफ है अधो गति के तरफ नहीं है जिनकी बुद्धि मन इंद्रियों को काबू में रखा है मन इंद्रियों के वश में नहीं है ऐसा धी जो है सुधी सुष्टुधि और सुधी को बहुत अलग तरह से समझना है तो जिन्होंने अलग अलग साधनाओं के द्वारा अपने बुद्धि को एकाग्र सूक्ष्म बनाकर परमात्मा को बन जानने का योग्य बनाया उपनिषद में कहा ना दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म गूढ़ा एष आत्मा सब जगह पे रहने वाले परमात्मा जिनकी बुद्धि एकाग्र हो गई है सूक्ष्म हो गई है उन्हीं को दिखाई देता है बताया है ऐसा जिन्होंने अपने बुद्धि को बनाया वो सुधी है और उनके लिए ही ये अमृत रूपी ये दूध जो है जो उपनिषद रूपी गायों से कृष्ण भगवान रूपी जो दोग्धा ने निकाल के दिया है वो पी सकते हैं तो उपनिषद है हमने कहा उपनिषदों का सारांश है हर एक अध्याय में बहुत सारे श्लोक भी और बहुत सारे जो टॉपिक्स जो है उपनिषदों से रिलेट हम कर सकते हैं पूरे गीता को हम जो है महावाक्य के रूप में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें तत्वमसी जो महावाक्य का उपदेश गीता में है क्योंकि फाइनली इज दिस ओनली यू आर नॉट द पर्सन सर्चिंग हैप्पीनेस बट यू आर हैप्पीनेस इट सेल्फ तट दउ आर्ट जिसके खोज में आप निकले हो वो मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो आप हो ये बताना ही तत्वमसी महावाक्य का उद्देश्य है सुनने में आसान लगता है लिटरल मीनिंग भी अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है लेकिन उसको बहुत सारे चिंतन साधना के द्वारा अनुभव में लाना है तो वो उपनिषद जो है वहाँ अलग अलग साधनाएँ बताती है और हम जैसे साधकों के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान कृष्ण जी ये गीता जी को हमारे सामने दिया है ये क्या है वही उपनिषद महावाक्य को अनुभव में लाने के लिए ये उपदेश है तो पहले अध्याय हमने कहा ये त्वम पद को कैसे डील करना है बताता है त्वम मीन्स यूर सेल्फ व्हाट आर यू वाट इज योर रोल इन दिस वर्ल्ड व्हाट टाइप ऑफ एक्शन यू हैव टू डू हाउ यू हैव टू डू टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव टू डू एंड इज इट ओनली इनफ इफ़ यू गो ऑन डूइंग द एक्शन बाउंड बाई दट फिर उस एक्शन को आप छोड़ना भी पड़ेगा तभी आप अंतर्मुख बन सकते हो देन तम पद के फाइनल शोधन में जैसे छठे अध्याय गीता में बताया ध्यान के द्वारा हमारे अंदर जो बैठा है ना युंजन एवं सदात्मा योगी नियत मानस है ना शांतिम निर्वाण परमा मतसंस्थान अधिगछति जो भगवान ने कहा है वो स्थिति को पहुंचना है सो दट इज वॉट तम पद बेसिकली इट इज एक्शन डूइंग एक्शन राइजिंग अब एक्शन और पर्पस ऑफ एक्शन इज इनर प्योरिफिकेशन देन इंट्रोवर्टेडनेस अंदर प्योरिटी हो जाए अंतर हो जाए ये है लेकिन क्या है ना ये त्वपद शोधन पूरा करने से बात बंद क्यों नहीं जाती है आगे क्यों बढ़ना है हमको ध्यान में तो बैठ गए ना हम देखो एक बात यह है कि ध्यान में बैठ गए हम अंतकरण को शुद्ध करके कुछ हद तक ध्यान लग भी गया थोड़ा सा वो शांति का अनुभव भी हो गया होगा लेकिन पॉइंट यह है ना वो तो पूरा उसमें स्थिरता आ गई कि नहीं एक क्वेश्चन है दूसरी बात क्या है अपने आप को थोड़ा ध्यान में मैं वो स्वरूप हूँ में ले आया मानिएगा बट व्हाट अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड हमेशा ध्यान में तो नहीं बैठ सकते हैं आँख खोलना पड़ता है रहना पड़ता है इस दुनिया में रहते हैं तो ये वर्ल्ड कहाँ से आया इसका भी जवाबदारी है हमारा देना पड़ता है समझना पड़ता है एंड थर्डली ये वर्ल्ड इतना बड़ा है इस विश्व को पूरा संभालने वाला कोई होना चाहिए एक अनंत शक्ति चाहे कुछ भी नाम दो वो क्या है उससे मेरा क्या संबंध है उससे इस जगत का क्या संबंध है ये जब तक यथाथत जैसा है वैसा ये क्लैरिटी जब तक नहीं होती है ना हम कह नहीं सकते हैं कि हमको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया और हम बंधन से छूट जाए बंधन क्या है दुख दुख क्यों होता है एक ही कारण से अज्ञान से नॉट नीड नॉट टू थिंक मेनी थिंग्स अबाउट वर्ल्ड ऑल्सो वी हेव टू अंडरस्टैंड परमात्मा जिन्होंने पूरा जगत को बनाया क्या संबंध है और उसे मैं कैसे रिलेट करू ये भी जानना है तीसरी बात क्या है कि त्वम पद शोधन आप करना तो चाहते हो लेकिन कभी क्या होता है ना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि अपने स्वयं के शक्तियां काफी नहीं होते इज इट नॉट इज इट इजी टू कंट्रोल द माइंड इज इट इजी टू मेक द माइंड सिंगल पॉइंटेड ना हमारे शक्तियां कम है दुनिया में भी देखते हैं कोई भी काम करना है तो अकेले कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते कोई भी काम देख लो आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी के हेल्प के बिना आप कर नहीं सकते हैं सांस लेना भी चाहिए तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का हेल्प भगवान ने सांस दिया <laughs> हवा दी ना हवा नहीं है तो क्या करोगे नाक दी ना अदर उस दिन सर्दी नहीं हुई इसलिए तो हवा ले रहे हो हो गई तो आइडिया इज वाट हम त्वम पद का जब साधना करना चाहते हैं तब हमारा शक्ति पूरी तरह से हेल्प सफिशेंट नहीं होता है देन हमें वो शक्ति सारे शक्ति का जो स्रोतस है उनसे ट्यून करना है वी शुड टेक द हेल्प ऑफ द टोटैलिटी रिमेंबर ऑलवेज एज एन इंडिविजुअल टोटल को साइड पे रखकर करेंगे तुम बात बनती नहीं है हमेशा उनसे जोड़ते रहने से वो शक्ति हमें आता है देन आसान होने लगता है दिस इज वन रीज़न अनदर रीजन इज वन कि कभी क्या होता है ध्यान में भी बैठ जाए अध्यात्म साधना में करें जो पहले से अध्याय वाला उसमें सफलता भी मिल जाती है तो उस सफलता होने के बावजूद भी एक और एक प्रॉब्लम होती वो हो, क्या है हमारे अंदर कुछ मैं महान हुआ ऐसे भावना बढ़ सकती है अहम का हाइयर पॉवर totally so, की जरूरत चाहिए अनफोल्ड हो भी गया तब भी देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ इगो ए बातें हो गए तीसरा वी हाउव टू आंसर एंड अंडरस्टैंड वर्ल्ड ऑल्सो यू हाउ टू आंसर एंड अंडरस्टैंड परमात्मा ऑल्सो इन सब कारणों को मन में रख के बताया कि त्वम पद को सर्च करने से बात नहीं बनता है तत्पद को भी आपको जानना है नेक्स्ट सिक्स चैप्टर्स अदरवाइज छठे अध्याय में ध्यान कर दिया तो बात हो गया उसी तरह से आप ये जो छह अध्याय देखेंगे उसमें ट्वेल्थ अध्याय का भक्ति कर लिया तो लगता है बात हो गया लेकिन नहीं हुआ फिर भी आपको डिफरेंस जो है उसको निकाल के एकत्व को पाना है इसलिए लास्ट सिक्स चैप्टर्स तब हम देखेंगे बट नाउ वाई दट तत्पद तत् तत्मीन्स ईश्वर तत् मीन्स परमात्मा तत् मीन्स पूरे जगत का नियामक जो है नियंता जो है क्रिएटर जो है उनका शोधन भी जीवन में जरूरी है साधना तो तीनों साधनाएं साइमल्टेनियसली होते रहना है तत्पद भी त्वम पद भी एकथा भी और जिस साधना में कमी है उससे हमें वो करना है है ना अभी मानिएगा कर्मयोग बहुत अच्छी तरह से कर लिए है नो यू कैनॉट रिलैक्स वॉट यू हैव टू डू इज स्टार्ट डूइंग द ईश्वर उपासना एंड ऑल अब वो भी करते रहने से काम नहीं बनता है मैं अंतकरण शुद्ध हो गया उपासना भी कर रहा हूं बट स्टिल हैव यू डिस्कवर्ड द वननेस विथ दट परमा नहीं हुआ फिर और भी आपको चिंतन ध्यान करना ही पड़ता है तो इसीलिए सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक उस तत्पद के बारे में हमको बताया गया उनको सर्च आउट करो फिर क्या है पूरा लक्ष्य क्या है इस तत्पद के शोधन का ध्यान से सुनिएगा वो तत् नाम से निर्देश किया गया जो परमात्मा है ईश्वर है उनकी महिमा क्या है जानना दिस इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड पॉइंट क्या है फिर जब उनकी महिमा जान लेते हैं ना देखो जानते जानते ही धीरे धीरे व्यक्ति में अपना अहम भाव कम होते हुए भक्ति बढ़ने लगता है फिर धीरे धीरे वो भक्ति जो है समर्पण में शरणागत में लीड करता है शरणागत में इस तरह से को जानकर उसमें शरणागत होना ही ये जो तत्पद शोधन वाला ये छह अध्यायों का मुख्य लक्ष्य है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है जितना हमारे अंदर भक्ति भाव बढ़ता है उतना उनके बारे में जानकारी बढ़ता है जितना उनके बारे में जानकारी बढ़ता है उतना भक्ति भी बढ़ता है है ना जब उनको भी उनको हम जान भी लिए और भक्ति भी बढ़ रही है तो फिर पहले वाला जो त्वम पद शोधन है उसका वो भी और अच्छी तरह से हो जाता है और उसकी सफलता इसमें नजर आती है एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ना वर्ल्ड इज नॉट ए प्रॉब्लम क्योंकि स्पिरिचुअल को खुद जितना भी साधना करे वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है, है कि नहीं एंड द मोर आई डू साधना बाय माई सेल्फ द मोर इज वर्ल्ड इज ए प्रॉब्लम जैसे मैं ऑर्डिनरी आदमियों की तरह पहले था मानू अभी साधना शुरू किया जब शुरू किया तो गुरु ने कहा अपना आसन अपने रखो अपना जपमाला अपना रखो किसी को मत दो पहले ये प्रॉब्लम नहीं होता था और मैंने कहा ठीक है बाबा अपना माला लिया आसन में बैठ के ध्यान कर दी और पूजा रूम में ध्यान करके वहाँ रख के आ गया और अगले दिन देखा तो कोई मेरा बेटा या पोता उसके ऊपर बैठ गया अभी <laughs> देखो कितना गुस्सा ये साधक बनने से मैंने गुस्सा नहीं था <laughs> फॉर एवरीथिंग वाई इट इज सोज हम खुद के लिए तो साधक बने हैं लेकिन वर्ल्ड को मैनेज करने में हम पूरा सफल नहीं हुए वाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजिंग द वर्ल्ड वर्ल्ड का पोजिशन क्या है उससे हमारा क्या लिमिटेशन है उसका लिमिटेशन क्या है उससे हमारा क्या संबंध है और ईश्वर को भगवान जगत में कैसे देखना है ये जब तक नहीं होगा ये प्रॉब्लम चलेगा ही सो दैट इज आउ सेवेंथ टू ट्वेल्थ चैप्टर टॉक्स अबाउट परमात्मा ओनली उन्हीं के ग्लोरी के बारे में अलग अलग एंगलों में बताने का कोशिश करते हैं और जब तक जो भगवान क्या है ठीक नहीं समझते है ना तब तक भक्ति करेक्ट नहीं है कंप्लीट नहीं है है ना अलग अलग तरह के भक्तियां होते हैं लेकिन द रियल भक्ति क्या है ज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न हुआ भक्ति है वही भक्ति है बाकी भक्तियां जो है ना भय से भी भक्ति होता है कोई अटैचमेंट भी हो सकती है कोई आसक्ति से भी भक्ति होता है ना देर आर नॉट द भक्तिस देर आर द टेम्पररी थिंग्स रियल रियल वन इज वेन यू नो हिस्स ग्लोरी तो ये हमको बताया जाएगा वंडरफुल वन ऑफ देम. कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा हम टच करने को उसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट को सात दिन है हमको छ अध्याय भगवान ने कहा करने को तो इस भक्ति षटकम यह तम त्व पद शोध पहला क्या था त्वत् था और कर्म षटकम था ये तत्पद है और भक्ति षटकम है याद रखना यह तत्पद इसके बारे में बताया जा रहा है और इसमें भक्ति के बारे में साधनाएं हैं और पहला अध्याय जो है सातवां इसका नाम है कहीं कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग और कहीं कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग आल्सो सो लेट अस नॉट टू मच वरी अबाउट इट जिनको जो इच्छा है वो नाम ले लेते हैं हम इसको ज्ञान विज्ञान, विज्ञान योग ऐसा हम नाम देंगे तो इसमें क्या है ज्ञान और विज्ञान और पहले अध्याय के नाम से ही भगवान हमें कुछ बातें बहुत क्लियर कर रहे हैं दैट भक्ति में सबसे पहले बात है ज्ञान का जरूरी है कि नहीं डिस्कशन तो भक्ति के बारे में हो रहा है और चैप्टर का नाम है ज्ञान और विज्ञान तो ज्ञान द ग्रेटनेस ऑफ परमात्मा फिर वो जानने के बाद परमात्मा के महिमा को उनके प्रति भक्ति डेवलप करने के लिए किस तरह का हमें अपने अंदर एडजस्टमेंट्स लाना है किस तरह हमें उनसे रिलेट करना है ये जो टिप्स जो हमें दिए जाते हैं उसको बोलते हैं विज्ञान, विज्ञान योग नाम का ये एक अर्थ अर्थ हुआ दूसरा अर्थ क्या है ज्ञान काल नॉलेज सेकंड इज विज्ञान मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ दट नॉलेज अबाउट परमात्मा एज योर ओन सेल्फ तो हर एक ये अध्याय यहां से जो आएगा इसमें भक्ति को मुख्य रूप से बताएंगे बट साथ साथ में वो परमात्मा का ज्ञान रिवील करने के द्वारा उनसे हमारा एकत्व को भी प्रतिपादन करते ही जाएंगे ताकि आगे इजी हो जाएगा थर्टींथ चैप्टर से लेकर के तो ज्ञान विज्ञान योग का ये अर्थ हुआ ज्ञानम द थियोरटिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट परमात्मा विज्ञानम उनके प्रति भक्ति डेवलप करने के लिए जो साधनाएं हमको करने हैं विशेष ज्ञानम द स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस टू मेक दट ज्ञान एज अ एक्सपीरियंस ये बताया जाता है इस अध्याय में पूरे हमारे साथ है हमारे पास है तीस श्लोक कितने हैं और इसमें अर्जुन चुपचाप बैठे <coughs> कुछ नहीं बोला सुनते गए क्योंकि टॉपिक भी बहुत गंभीर है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पहले अध्याय में ऑलरेडी दो बार पूछ चुका है अर्जुन तो बार बार पूछने से गुरु नाराज हो जाते हैं <laughs> इसलिए चुप और यहां भगवान अर्जुन को मौका नहीं दिए पूरा थर्टी कृष्ण ओनली तो इसमें सात आठ टॉपिक्स है ऊपर ऊपर से देखा जाए तो पहले टॉपिक में क्या बात है कि भगवान के नॉलेज भगवान के बारे में ज्ञान हमको कैसे मिलता है वो बताया गया और उस ज्ञान के महिमा क्या है बताया इफ यू नो द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड व्हाट आर द बेनिफिट्स वो बताया है उसके बाद वाले पोर्शन में हमको परमात्मा के जो दो प्रकृतियाँ हैं ये बताए जाते हैं और ये बात जब धीरे धीरे बुद्धि में बैठ जाती है ना देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड जो भी देख रहे हैं आप जिनसे भी बात कर रहे हैं सब परमात्मा का ही है जब पता चलने लगता है धीरे धीरे जो राग कम होते रहते हैं और प्रेम और भक्ति बढ़ने लगता है दट इज आउ नॉलेज बिकम्स ऑफ डिवोशन एंड विदाउट नॉलेज इट इज नॉट ए रियल डिवोशन इट इज ओनली फैनेटिसिजम धीरे धीरे डिफरेंसेस में प्रॉब्लम्स में हमको वो ले जाता है सो so, दूसरे पोर्शन में भगवान दो प्रकृतियों के बारे में बताते हैं एंड उसके बाद अपना स्वरूप क्या है वो भगवान हमको रिवी, रिवील करते हैं और ये तीनों बातों को एक्सपीरियंस करने के लिए एक पंद्रह हमको टेक्निक्स देते हैं साधनाएं बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं वो उसके बाद पोर्शन में भगवान कौन लोग हैं जो मेरे श्रद्धा नहीं करते हैं भक्ति नहीं करते हैं और कौन लोग मेरे भक्ति करते हैं वो बताते हैं और उस बीच के पोर्शन में माया और उसके ग्रेटनेस या उसकी महिमा वो कैसे बंधन में डालती है कैसे इसे मुक्त होना है वो बातें भी भगवान हमको बताएंगे और लास्ट पोर्शन में किस तरह से ये द्वैत या द्वंद्व जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो हमारे माइंड को टोटली कवर करके हमारे ही सामने रहने वाले भगवान को हमसे बहुत दूर करता है एंड देन हाउ टू रिमूव दैट लाइक दैट ज्ञान विज्ञान योग सिक्स सेवन टॉपिक्स से हमको एक सुंदर साधना का टेक्निक बताने का कोशिश करता है लेट अस ट्राई टू दैट श्री भगवानुवाच मया सक्तमना पार्थ योगम युंज जन्मदाश्रयः असंशयम् समग्रम् यथाज्ञास्य सित श्रुणु ये जो पहला श्लोक है ये पूरा अध्याय का बेस है ज्ञान का भी बेस है भक्ति का भी बेस है कैसे तो पहले भगवान ने कहा क्या कहा इधर समग्रम माम मतलब मुझे जानो मुझे पहचानो मेन लक्ष्य ऑफ द लाइफ ये तत्पद में ही होता है, है ना तत्पद शोधन में परमात्मा है क्या हमको पता नहीं है भगवान कौन है है हमको पता लेकिन पूरा पता नहीं है, है ना और आधा पता है और उसमें भी बहुत सारे डाउट्स है ना? भगवान को ने साकार है कि निराकार है साकार है कि निराकार है पता नहीं मुझे कभी मदद नहीं किया इसलिए मैं तो बोल सकता हूँ कि ये बेकार है <laughs> साकार निराकार नूम तुम जानो मेरे को तो पता है कि बिकॉज सेम प्रॉब्लम्स कंटिन्यूइंग तो समाइम्स जो नॉलेज है हमारे पास उसके ऊपर डाउट्स होते हैं या नहीं तो कंप्लीट नहीं होता है तो नॉलेज अबाउट गॉड शुड बी डाउट फ्री एज वेल एज कंप्लीट एंड कब मिलेगा कैसा मिलेगा आपको वही ये पूरे छह अध्याय में हमको बताएंगे और इसके बाद जरूर भक्ति होना ही चाहिए हृदय में भक्ति उत्पन्न हो ही जाएगी इसलिए भगवान ने शब्द यूज किया असमशयम समग्रम माम ज्ञासी मुझे असमशय समग्र रूप से जानना है विदाउट डाउट आई एम कन्फर्मड अबाउट इट आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट आई क्लियरली अंडरस्टोड अबाउट परमात्मा और समग्रम है ना एक देश में रहने वाले एक स्थान में रहने वाले एक काल में अवतार के रूप में आने वाले या एक पर्टिकुलर फॉर्म में रहने वाले एक कुछ लक्षणों के द्वारा शोभित होने वाले भगवान समग्र भगवान नहीं है, है कि नहीं? भगवान बट नॉट समग्र ही इज ए लिमिटेड टाइम कंडीशन और जो त्रेता युग में राम है वो द्वापर युग में नहीं है द्वापर में कृष्ण जो है कल युग में नहीं है इज नॉट समग्रम तो, तो समग्रता मीन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग असमशयम विदाउट डाउट ये अर्जुन मुझे जब तक तो, क्यों क्योंकि पिछले अध्याय में बताया ना अर्जुन को भगवान ने कि तुम तो ध्यान करके योगी तो योगी तो बन ही जाओ लेकिन योगी बनते बनते योगी नाम अपने सर्वेशा मदगते न अंतरात्म भजते यो मुक्त तमो मत देखो तो सारे योगी में भी वो योगी जो श्रद्धा से भक्ति से मेरा भजन करता है वो उत्तम योगी है भगवान ने कहा इस अध्याय का पिछले अध्याय संबंध भी बताना था मैं भूल गया तो वहां जब भगवान ने ऐसा कहा तो यह प्रश्न उठा उसका जवाब देना था इसलिए अध्याय और तत्पद शोधन भी तो यहां बात क्या हुआ असमशय समग्र रूप से आप मुझे कैसे जानोगे मैं आपको बताने वाला हूं लेकिन उसके लिए आपको तीन चीजें लेकर मेरे पास आना है वे क्या है मई आसक्त मना वेरी डिफिकल्ट है कि नहीं मई आसक्त मना हमारा मन किसके प्रति सकती है वो वस्तुओं के प्रति जो जा सकते हैं <laughs> है ना जो आ सकता है तो जा सकता है तो उसके प्रति आ सकती है तो मई आसक्त मना हा। है ना माइंड में फीलिंग फॉर द लॉर्ड डिवोशन फॉर द लॉर्ड वॉन्टिंग टू नो द लॉर्ड ऐसा आसक्ति जिनके पास है I am talking very, very grossly, literal meaning only मैं बता रहा हूं इसका डीपर तो बहुत है ये लिमिटेशन है टाइम का तो मैं ये आसक्त मना अपने आप को खोज कर देखना है हमारे मन में आसक्ति भगवान के प्रति है कि नहीं दूसरा योगम युंजन दो योग हो सकते हैं एक अभी तक बताया हुआ कर्मयोग की बात कहो या नहीं तो जो पतंजलि जी ने बताया छठे अध्याय में जो योग साधना बताई हमको सारा अपने जीवन के सहारा आश्रय को भगवान ही है ऐसा माना है ऐसा तो जिन्होंने अपने को बनाया ना मन आसक्त भगवान में है आश्रय भी भगवान है और निरंतर भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहा है ही इज फुल्ली प्रिपेर ऐसे व्यक्ति को जब ये बातें बताए जाएंगे कि दीज आर दक्षण ऑफ गॉड दीज आर द स्वरूप नेचर ऑफ गॉड बताने के समय ही उनको बात समझ में आती है और एक बढ़िया बात समझ लें क्या है साक्षात भगवान कृष्ण सामने खड़े होकर बता रहे हैं तब बात नहीं समझ में आती है तो घर जाके पढ़ो पढ़ने की बात तो दूर है समझ रहे ना तब पढ़ सकते समझ में आता है क्या नहीं होगा मुश्किल है दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सत्संग सत्संग में ना श्रद्धा से सुनने से तभी आपको जीवन मुक्ति या ज्ञान मिलता है पोस्टपोन करने से नहीं होता है एनी वे पॉइंट इज मैं आसक्त मना मदाश्रय युंजन ये तीनों लेकर जब आप मेरे पास आओगे मैं सुनाऊंगा उसके द्वारा मेरे बारे में आपको संशय रहता समग्र ज्ञान मिलेगा वंस यू नो मी यू बिकम मी है ना एक बार परमात्मा को जानते हैं तो बन जाते हैं भगवान को भगवान बन जाते हैं या नहीं तो भक्ति बढ़ जाती है लेकिन इस श्लोक का एक बहुत सुंदर और क्या है ना मीनिंग आप देखोगे तो मई आसक्त अबाउट ऑल द साधना ऑफ कर्म योग योगम युंजन दिस टॉक्स अबाउट ऑल योग साधना बताया भगवान वर्ड तो यूज ही किया है मदाश्रय टॉक्स अबाउट भक्ति क्योंकि भक्ति मीन्स परमात्मा ही मेरा आश्रय है ऐसा करके टोटली उनको शरणागत हो जाना चाहे लोग कुछ भी कहे लोग कहते हैं क्या पागल है भगवान? भगवान भगवान बोलता है खुद भी कुछ करो <laughs> बट भक्त को पता अलग है उनको पता है अरे बाबा जो भी कुछ तुम कर रहे हो वो वही कर रहा है <laughs> वो थोड़ा स्विच ऑफ कर देते हैं ना तुमको लोग ले जाएंगे ही नो इट देर उनके अंदर वो आश्रय भावना कंप्लीट होती है अब भागवत में भी देखो ना पूरे एंड में ना शुरू में ही बताते हैं भगवान कि दशम से विशुद्ध नवा लक्षणम वर्णयती महात्मा पूरे बारह स्कंद है ना भागवत में और उसमें कहते हैं पहले नौ स्कंद जो है दसवां स्कंद के लिए ही है और दसवां स्कंद क्या है जिसमें भगवान कृष्ण ही पूरा आश्रय है ऐसा हमको पता चलता है वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द टोटल सपोर्ट इन परमात्मा ओनली ऑल स्पिरिचुअल साधना ऐसे में आप भक्ति में बताते हैं इसलिए मदाश्रय भक्ति योगन हो गया योग साधना आ सकता मतलब कर्म फल पे आसक्ति छोड़कर भगवान पे आसक्ति रखना कर्मयोग हो गया और लास्ट वन क्या है माम ज्ञान योग सो चैप्टर पूरा कहो या पहला श्लोक कहो ये चारों योगों का उन्होंने समरी हमको बताया चारों चीजों का जरूरत हमको दिखाया लाइफ में लाइफ इज कंप्लीट। बाई बता रहे हैं क्योंकि लोग कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं कंपेरिजन में आ जाते हैं कौन सी साधना ग्रेट है करकेट इज नॉट फॉल इन टू दट ऑल आर रिक्वाड है ना शरीर के लिए कर्मयोग चाहिए होता है मन के लिए भक्ति योग चाहिए होता है चित्त के लिए योग साधना चाहिए होता है और बुद्धि के लिए ज्ञान योग चार है न शरीर मन चित्त बुद्धि और मन बुद्धि चित्त अहंकार वो अंतरकरण के दृष्टि से भी देखोगे तो उन सबको आप रिलेट कर सकते हो सो इन टोटल फर्स्ट सेस दैट यू विल नो अबाउट मी कंप्लीटली प्रोवाइडेड यू हैव दीज थ्री थिंग्स और भगवान को समग्र रूप से संशय रहित से जान सकते हैं ऐसा भगवान यहां एश्योरेंस भी दे रहे कैरी दिस पॉइंट ऑल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर श्लोक में कि जो लोग कहते हैं ना कि भगवान मुझे दिख नहीं रहे हैं भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए यहां जवाब मिला है कि नहीं? 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 पहले प्रिपेयर होकर जाओ तो पता चलेगा यू नेवर प्रिपेयर एंड यू से गॉड इज नॉट देर आसक्ति नहीं है तो मिलेंगे नहीं भगवान श्रद्धा नहीं है तो मिलेंगे नहीं भगवान तो इस तरह से यह हमको बेसिस बताया और कहते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इधम बक्ष्यामी अशेषतः तो अर्जुन शायद और सुनना चाहता था शायद या नहीं तो वो भी थोड़ा सा माइंड इधर उधर डिस्टर्ब हो गया होगा लेकिन इतने सारे घोड़े हाथी है रथ है आवाज तो बहुत होता होगा इट्स नॉट दैट यू कैन पुट देम इन म्यूट टीवी में तो सबको आप म्यूट करते हो घोड़ों का गाड़ियों का सबका आवाज बट वो युद्ध क्षेत्र में है तो मे बी वुड नॉट लिजन और भगवान उनको और भी भरोसा देना चाहते हैं इसलिए ये जो ज्ञान जो है जो देने वाले हैं उसके बारे और आर बताते हुए कह रहे हैं कि ज्ञानम सविज्ञानम सब ज्ञानमी आई एम टेलिंग यू नॉट ओनली थियोरी ज्ञानम इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना ज्यादा थियोरी होती है प्रैक्टिकल कम इसलिए प्रैक्टिकल की तरफ जब आते हैं प्रॉब्लम होता है और फॉरेन कंट्रीज में क्या है ज्यादा प्रैक्टिस होती है थियोरी उनको थोड़ा ही पता होता है जिसलिए हमारे इंडियन से जब वहां जाते हैं वो एकदम आगे हो जाते हैं डिफरेंस इन फॉरन कंट्रीज वाई इंडियन एक्सिल मोर बिकॉज कम समय में ज्यादा थियरी उन्होंने जान लिया वो लोग प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बोल के थियोरी कम ही सिखाते हैं तो यहाँ भगवान कह रहे ज्ञानम देन सभी ज्ञानम इधम वक्ष्यामी अशेषतः वक्ष्यामी अशेषतः आफ्टर दिस नथिंग रिमेन्स फॉर यू टू बी नोन वो भी आगे बता रहे अशेषतः मीन्स कंप्लीटली यत न इह भूय अन्यत ज्ञातव्यम ये जो दूसरा लाइन जो है ये उपनिषद है ना कस्मु भगव विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवती मुंडा उपनिषद आपने देखा ना उसी का यहाँ लिटरली बताते भगवान यत जिसको जानने के बाद न इधर भूय दोबारा अन्यत और कुछ ज्ञातव्यम जानने योग्य नहीं रहता है थोड़ा रुकना इधर एक दो बातें समझनी है वो क्या है ये ज्ञान का इच्छा का प्राप्ति का संबंध हमको तो पता है ना पहले हम जानते हैं उसके बाद उसके प्रति इच्छा होती है उसके बाद उसको प्राप्त करने का कोशिश करते हैं है ना तो हम क्या कर रहे हैं अब तो सारा ह्यूमन लाइफ को ह्यूमन एफर्ट्स को ह्यूमन एंडवर्स को उन चीजों के बारे में जानने का पाने के लिए यूज कर रहे हैं जो समग्र नहीं है कंप्लीट नहीं है है ना उट इट वी आर जस्ट अनालाइजिंग हाउ वी आर वेस्टिंग अवर टाइम और कितना भी इस दुनिया के बारे में जाने ना और भी जानने का रहता है इट इज नॉट समग्र ज्ञान और जो अधूरा ज्ञान है हमेशा कभी ना कभी धोखा देगा ही ना इज इट नॉट इसलिए भगवान कह रहे यद ज्ञातवा अन्य ज्ञातव्यम ना अवशिष्य मतलब इसको जानने के बाद बाकी सारी जानकारियां आपको इसमें अंतर्गत ही मिलेंगे या वो सब वेस्ट है हमको पता चल जाता है ना ज्ञातव्यम सेम वे जब ज्ञातव्य ही नहीं है दूसरा देर फोर इच्छा करने का भी कोई नहीं रहता है जब इच्छा करने का नहीं रहे तो प्राप्त करने का मेहनत एफर्ट नहीं लगता है ए देर इज नो एफर्ट इन लाइफ यू आर इन सच ए रिलैक्स एंड हैप्पी पोजिशन

तुम फिर हर बात पे हंस सकते हो क्योंकि तुमको जो जानना है पता चल गया इट इज जस्ट लाइक ए पर्सन हु वोक अप फ्रॉम द ड्रीम एंड ड्रीम ही इज ट्राइंग टू रिमेंबर लेट अस से हाउ यू विल रिमेंबर ड्रीम यू रिमेंबर ऑल द ड्रीम बट यू स्माइल और उस ड्रीम में ये जानना है ये नहीं जानना है अभी जानना है ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता वहां सारा होल सेल हमको पता चल गया कि होल ड्रीम इज नथिंग बट माई ओन एक्सप्रेशन सो समथिंग टू बी नोन बी अटेंटिव समथिंग टू बी समथिंग येट टू बी नोन समथिंग इज नोन ऐसा वाला जो ज्ञान अज्ञान का भय या दुख नहीं रहेगा थोड़ा सूक्ष्म बात है बट अदरवाइज यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली संशय रहित समग्र ज्ञान हो गया द नॉलेज इज क्लियर प्लीज रिमेंबर हमारा रिलेशन जो है वो भी करेक्ट हो जाता है है जब सही ज्ञान नहीं होता है तभी मोह हो होता है मोह के कारण ही गलत हम जो है रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं एंड दैट गिव्स अस द प्रॉब्लम देन द नॉलेज करेक्ट है तो रिलेशन करेक्ट है देयरफॉर प्रॉब्लम्स विल नॉट बी देयर इस तरह से ये ज्ञात न इह भूय अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्य And then is it that people are not trying for it? Is it so difficult? What is the reason? भगवान कहते हैं sahasreshu the thing is what वाट हजारों लाखों लोगों में yatati there are very few rare people are there जो ये भगवान के gyan को जानने का कोशिश कर रहे हैं तो इससे आपको थोड़ा तसल्ली होना चाहिए वट इज दैट यहां कॉम्पिटिशन कम है वेरी वेरी फ्यू पीपुल आर ट्राइंग टू नो इट

बाकी सब लोगों को भगवान दूर से ही देख रहे हैं चाहे वो लोग इतना भी प्रार्थना करें कुछ भी मांगे भगवान उनको चीज देकर अपने आप को मुक्त करना चाह रहे लेकिन हमारे बात जब आती है तो भगवान स्टार्ट लाइकिंग अस आगे भी हमको बताएंगे द पॉइंट इज मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिद यतति सिद्ध ये सिद्धि के लिए कौन सा सिद्धि भगवान को जानने वाला सिद्धि और द पॉइंट इज वन यतता सिद्धा नाम अमॉन्ग द मिलियंस वर ट्राइंग

और बाकी जो कुछ भी आप कर रहे हो व्यवहार के लिए उतना करें पर उतना ज्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस में रखेंगे तो पिछले जितने सारे जन्म जैसे वेस्ट हुए हैं शायद ये भी हो सकता होगा इज ओनली अलर्टिंग अस इज ओनली वार्निंग अस वार्निंग भी नहीं है सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं एडवाइस कर रहे हैं भगवान कि बहुत सारे लोग जो है हजारों दुनिया में और कुछ जानने का और कुछ पाने का कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ एक रेयर व्यक्ति है ये पाने का कोशिश और ऐसे भी बहुत सारे लोगों में वेरी रेयर वन इज देयर हु कैन नो इट दफॉर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज बता रहे आप रियली really अच्छे चीज को पाना चाहते हो तो यही बेस्ट चीज है जैसे मार्केटिंग टेक्निक <laughs> ऐसा थोड़ा और नॉलेज उसकी महिमा ये सब बताकर जो है भगवान अब वो ज्ञान क्या है हमको तीन श्लोकों में बता रहे बस तीन या चार श्लोक और इससे ज्यादा पूरे शास्त्रों में वेदों में वेदांत में जानने का कुछ नहीं है और बाकी क्या है जीवन भर वो जाने हुए चीज को अनुभव में लाने के लिए साधना करना है तो पहले कुछ पर्टिकुलर साधना लिए जाते हैं बाद में सारा जीवन ही साधना बनता है एंड देन यू विल डिस्कवर हिम और जितना इंटेंसली हम प्रैक्टिस करेंगे मैं मई आसक्त मनाहा भगवान ने बताया योगम युंजन मदाश्रया जैसे साइंटिस्ट यह सब करता है मई आसक्त मनाहा आसक्ति

पूरे दुनिया के लिए वो एक गाइडेंस मार्गदर्शक बनता है दैट इज अ बाय द वे पॉइंट तो ये तीन चार श्लोकों में सारा ये जो ज्ञान जो है समग्र रूप वाला हमको दिया जा रहा है वो क्या है सबसे पहली बात समझना है भूमि रापो खम मनो बुद्धि अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपरा ये जो चौथे श्लोक का पूरा श्लोक पांचवें श्लोक का पहला शब्द जो है ये सारा मिलकर के एक पूरे थॉट हो जाता है द नॉलेज अबाउट गॉड जिसको जानने के द्वारा परमात्मा के प्रति जो भक्ति बनती है वही रियल भक्ति है उस नॉलेज में पहला एस्पेक्ट क्या है ये समझना है ये जो भूमि है भूमि इज पृथ्वी आपह पानी अनलह फायर वायुहु एर देन खम आकाश मन माइंड जो संकल्प विकल्प करता है है ना सबके पास कुछ लोग घर में रखे आए होंगे है ना कुछ लोगों का बॉडी तो यहाँ है लेकिन माइंड स्वाभि पता है बहुत कोशिश करो पकड़ में आते। तो दैट इज कॉल्ड एज माइंड देन बुद्धि इसके अरे मैं ज्यादा नहीं बोलू ये अपना अपना ख्याल आपका फ्रीडम तो बुद्धि ही विचक्षणा करने वाला डिस्क्रिमिनेट करने वाला ये जो मन या बुद्धि का हो या सारे जो पंच महाभूत बताए ना प्लीज रिमेंबर ये पार्ट 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 नहीं होते हैं, ये टोटल होता है टोटल में से एक थोड़ा सा पार्ट हम अपना मानते हैं मानने तक ही है <laughs> जब जाना पड़ता है लेके नहीं जाएंगे सब छोड़ना पड़ता है इवन द माइंड ऑल्सो प्लीज देर इज वन इंडिविजुअल माइंड बट ऑलवेज देखिएगा इंडिविजुअल माइंड स्टेशनरी है क्या उसमें कितने सारे दूसरे बाहर से विचार आ रहे हैं ना और जो ऑलरेडी है जा भी रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं टोटल में जा रहे हैं अब टोटल से आना जाना इज अ रॉन्ग लैंग्वेज इट्स अ पार्ट ऑफ टोटल ओनली एक्चुअली नेवर ए सेपरेट है ना लाइक अ वाटर इन द पॉट एंड पॉट इज इन द ओशन इट इज नॉट अ पार्ट वाटर इज सेपरेट फ्रॉम द टोटल वाटर ना इट्स अ ओशन वाटर ओनली आप जितना भी उसको घड़े में लेकर घर ले आकर इस्तेमाल करो तब भी ये ओशन का ही पानी है दैट इज वाई आपका यूज करने के बाद वो पानी घूम फिर के अल्टीमेटली बादलों में जाकर फिर वही वो ओशन में जाएगा जाना पड़ता है ना आइडिया इज वाट माइंड मीन्स अंडरस्टैंड द टोटल माइंड एंड टोटल माइंड में हमारा माइंड भी एक हिस्सा है पार्ट ऑफ दी टेक फ्रॉम इट सो टू बुद्धि एंड इसी तरह से अहंकार आर्ट तो पूरे कितने हुए आठ जो है ये कह रहे भगवान कि ये सारा जो है मेरा ही प्रकृति है सो दिस इज द गॉड्स प्रकृति नेचर तो इसमें थोड़ा सा क्या बात समझनी है कि प्रकृति और प्रकृति को ओन करने वाला जो पुरुष जो है उनका थोड़ा संबंध को जानना है वट इज दैट कि प्रकृति पुरुष का होता है पुरुष प्रकृति को अधीन में रखता है प्रकृति के बिना पुरुष रह सकता है पुरुष के बिना प्रकृति नहीं रह सकती है फ्यू थॉट्स वी हैव थॉट लाइक मी एंड माई नेचर आई कैन स्टॉप एक्सप्रेसिंग माई नेचर लाइक माई नेचर इज टॉकिंग लड़स से और मैं कुछ रोज छुप हो सकता हूं आपको खुश करने के लिए <laughs> लेकिन माई टॉकिंग कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मी है कि नहीं? नहीं स्वामी जी आपका रिकॉर्ड करके सुनेंगे अब उसके लिए बोलना तो पड़ता है ना एक बार <laughs> विदाउट मी यू के नॉट रिकॉर्ड इट सो ये प्रकृति पुरुष में क्या है ना ये प्रकृति पुरुष पे आधारित तो होती है रिमेंबर दिस पुरुष प्रकृति पे आधार नहीं होता एंड अल्टीमेट दृष्टि से आप देखा जाए तो प्रकृति पुरुष से अलग नहीं होता है ध्यान से सुनो इस बात को थोड़ा सूक्ष्म बात है लाइक माई पावर ऑफ स्पीकिंग वेन यू लिजन अपेयर्स टू बी सेपरेट फ्रॉम मी बट रियली देखा जाए इट के नॉट बी सेपरेट फ्रॉम मी ध्यान से सुनिएगा फिर अल्टीमेटली कौन बचता है पुरुष नहीं पुरुष ही बचता है प्रकृति नहीं नहीं बचता है पूरा सृष्टि के लिए चलाने के लिए ये प्रकृति और पुरुष दोनों का जरूरत होता है तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि पूरा जो संसार आप देख रहे हो ना अगर आप छोटे छोटे वस्तुओं को छोड़कर सारे टोटालिटी के दृष्टि से देखोगे तो सारा जगत बना इस आठ चीजों से ही और ये सारे आठ क्या है मेरा प्रकृति है देखो इफ वन अंडरस्टैंड दिस सीरियसली एक्सेप्ट दिस सिंसियरली कैन ई फाइट फॉर द लैंड ग्रैबिंग है ना मेरा जमीन जमीन का घोटाले कितने होते हैं इंडिया में हर एक का घोटाला भी पानी का भी घोटाला भी हो रहा है ना गंगा कावेरी के लिए कितने लोग नहीं लड़ रहे हैं बिसलरी पानी वाले बोलते हैं वो दूसरे पानी वाले बहुत मिलावट कर रहे हैं चलो हम उनके खिलाफ कुछ रिपोर्ट निकालेंगे टीम में वो लोग भी इसके खिलाफ निकालेंगे और देखने वाले कुछ लोग ये छोड़ के वो पिएंगे कुछ दिन उसके बाद वो छोड़ के पिएंगे इज इट नॉट नॉल आपल वायु एयर स्पेस इवन माइंड ऑल्सो यू नो अभी तक हम सोचे थे कि मन बुद्धि जो है ये चैतन्य है ये चैतन्य नहीं है प्रकृति है जड़ है इस प्रकृति जड़ मन बुद्धि को चैतन्य कराने वाले परमात्मा है नो वन इंटरेस्टिंग थिंग आप पकड़ लोगे तो इस बात को बहुत फायदा करेगा क्या है अगर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मन और बुद्धि जड़ है वो एक्सेप्ट करने मात्र से ही माइंड इंटेलेक्ट का जो पावर जो है 50 परसेंट कम हो जाता है हम हाँ हमारे लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना माइंड इंटेलेक्ट नाइंडलेक्ट बिग प्रॉब्लम बट एक्सेप्ट इट एज ए जड़ वस्तु जड़ है वो तो चैतन्य थोड़ी है सीरियसली अगर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे ना वो माइंड के प्रोजेक्शन इमेजिनेशन जो है वरी जो है ज्यादा नहीं रहेगा हम उसको जीवन देते हैं और जीवन देकर ताकत भी देते हैं रियलिटी भी देते हैं और उसी से अपने आप को पिटाई हैं कर <laughs> भगवान क्लियरली लिख रहे है, ये तो जड़ा है बाबा ये प्रकृति है ये प्रकृति प्रकृति है मैटर जड़ परिवर्तनशील चेंजेबल एटसेट्रा मे प्रकृति भिन्ना अष्टदा ये मेरा प्रकृति ही है और इसी को भगवान दिखाने के लिए भगवान कृष्ण जब अवतार में आते हैं वो उनके आठ पत्नियां होते हैं कि नहीं भगवान कृष्ण के एट वाइफ्स यू नो अष्ट सखिया है ना भगवान के सखिया नहीं है पत्निया सखिया दे आर दीज ओनली भूमि राप हनला वायु खम मनो बुद्धि रे वचा हो रुक्मिणी सत्य भा कालिंदी मित्रविंदा भद्रा लक्षण नाग, नाग नाग नजीती जाम्बवतीट वाइफ कौन है और परसानी दीज ओनली इसलिए आप सत्य भा देखो अहंकार की तरह रहती है कि नहीं <laughs> रुक्मिणी देखो थोड़ा इंटेलिजेंट बुद्धि कैन रिलेट दम पॉइंट इज ये अष्टदा प्रकृति भगवान का है तो ये जब जानेंगे तो हमारे जीवन यीनी से चल रहा है ना है ना भूमि आपलह नहीं है तो हम चल सकते एक तो भगवान ही इस प्रकृति के रूप में मेरे सामने आए हैं ये नजदीकी भी बढ़ेगा दूसरा इन सब के कारण हम जीवन जी रहे हैं और ये सब भगवान ही दे रहे हैं इस तरह से भक्ति भी बढ़ेगा एंड थर्ड पॉइंट क्या है वेन यू नो ऑल आर गॉड्स देन यू के नॉट यू नो ओवर ओवर डू द रूल्स रेगुलेशन मतलब रूल रेगुलेशन को हम ब्रेक नहीं करेंगे वेन यू नो दिज थिंग्स बट थिंग इज वॉट हम इस नॉलेज को यहां तक ही रखते हैं अंदर अपना नहीं बनाते ज्ञान को क्या करते हैं कोई दूसरे मिले तो उनको सुनाते हैं मेरे तरह बट रियली दूस केप्ट मेरा नॉलेज आप देखो अपना अध्यात्म ज्ञान कितना मेरा बना कितना अभी तक मेरा नहीं बना नहीं बना मेरा इसलिए वो मुझ मेरे को हेल्प नहीं कर रही है इट इज जस्ट लाइक सम पीपल हैव दैट नैचर ऑफ बॉडी बहुत खाते तो हैं लेकिन कमजोर पतले रहते मुझे मत देखना <laughs> मैं वैसा नहीं हूँ वाइज इट सो खाना तो जा रहा है अंदर लेकिन वो शरीर में नहीं जा रहा है सब परेशान इतना खाता है सो हमें पूछता हूं लोगों को कुछ क्या आपके बेटा इतना बतला है उसका भी खाना आप ही खाते हो क्या नहीं ये तो उल्टा है हमारा खाना वो खाता है ऐसा क्यों है दिस इज द रीजन कि अपने अंदर वो जाता नहीं टू फिलसा आल्सो तो अपना बनाने से ये नॉलेज जो है इस तरह हेल्प करेगा इन शॉर्ट नो ये प्रकृति बताकर भगवान कहते हैं अपरा इयम। इयम क्या है अपरा अपरा मीन ये लोअर प्रकृति है मेरी सेकंड श्लोक में जो पांचवें श्लोक में फर्स्ट शब्द है ना अपरा कुछ प्रकृति है प्रकृति विधि में पराम मेरा परा प्रकृति है वो क्या है जीव भूताम ये दो है दूसरा ये जीव भूता जो दूसरी प्रकृति है ये महाबाहो या इदम जगत धारियते ये जो जीव भूता जो प्रकृति है इस जीव भूता प्रकृति के द्वारा ही प्रकृति के लिए ही ये पूरा जगत जो है ये चल रही है इज इट नॉट द होल वर्ल्ड इज फॉर होम दट द जीव भूता प्रकृति मतलब क्या है ब्यूटिफुल थॉट भगवान ने दिया जैसे शरीर मन बुद्धि इत्यादि ये जड़ प्रकृति है उसी तरह से मैं इस शरीर में बैठकर एक जीव बनाऊ ना जीव बनना भी एक भगवान का एक प्रकृति का ही अंश है उसको भी ज्यादा मायना वैल्यू नहीं देना तो इसमें सीधा भगवान साधना बता ही दे रहे हमको पहले जड़प प्रकृति से चैतन्य प्रकृति में आओ उसके बाद चैतन्य प्रकृति जीव भूता प्रकृति को भी छोड़कर रियल स्वरूप जो है वहां उसमें आ जाओ लाइक like ना, द बल्ब द लाइट इन द बल्ब एंड द इलेक्ट्रिसिटी बिहाइंड द लाइट इन द बल्ब बल्ब इज जड़ा प्रकृति

हु इज सीटेड इन दट मैटर एवरीवेयर जीव जीवभूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत तो एग्जाम्पल कहीं क्या देते हैं लाइक अ पॉट इन द पॉट देर इज अ वाटर इन द वॉटर देर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सन एंड देर इज ए रियल सन डिफरेंस है ना पॉट इज द बॉडी द वॉटर इज द माइंड एटसेट्रा द रिफ्लेक्टेड सन इज द जीव इन एस एंड द रियल सन इज समथिंग डिफरेंट टम तो ये सब विवेक चुड़ावने में गुरुदेव जी ने एक्सप्लेन किया हमको डिटेलली जिन्होंने सुना दे आर रियली लकी तो इन बातों को जितना हम चिंतन करके समझते हैं ना तो वी नो अबाउट आवर सेल्स वी नो अबाउट एवरीबडी देन मेनी प्रॉब्लम्स हम जो इन्वाइट करते हैं वो आते ही नहीं इट्स सो ब्यूटिफुल दिस नॉलेज का इफेक्ट आई टेल यू समहाउ वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ ओनिंग दिस नॉलेज So, अपरा प्रकृति इज अष्टदा प्रकृति और परा प्रकृति इज भूता प्रकृति ये एकदम जगत धार्य थे बट मेन पॉइंट क्या है दोनों भगवान के प्रकृति है भगवान नहीं है, है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द लाइट अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी है तो फैन कौन है फैन <laughs> फिर रिफ्रिजरेटर कौन है हीटर कौन है तो इलेक्ट्रिसिटी कैनोट बी द लाइट जीव पता हो ही नहीं सकता हो देन हाउ टू नो इलेक्ट्रिसिटी टेक्निक सिंपल प्लग निकालो उंगली लगा दो और टेल यूर वाइफ शी लाइक सच थी यार जिसको आपने बहुत पैसा लोन लिया है उसको इलेक्ट्रिसिटी योग स्विच ऑन उसके बाद न इधर यू कैन एक्सप्लेन नदर्स कैन अंडरस्टैंड वॉट इज इलेक्ट्रिसिटी इट इज पर्सनल जिनको हुआ है तो ये आयदम धार्यते जगत देन भगवान यहाँ समराइज करके हमको बता रहे एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि सर्वाणि भूतानि एतद योनीनि मतलब ऑल बीइंग्स आर वूमड और कॉज्ड बाय दिस टू ओनली इति उपधारय इस तरह से आप आपके उपमिष नजदीक में बुद्धि में धारय धारणा करिएगा प्लीज देन इस विजन को लेकर आप दुनिया में विचरण करिएगा फिर उसके बाद देखिएगा कैन एनीथिंग बाइंड अस इट के नॉट ये नहीं जानते हम इसलिए माइंड में अलग अलग विचार विकार इतने सारे आके हमारे लाइफ को बहुत व्यस्त अस्त व्यस्त करते हैं एक तोनी इति इतिपधार देन व्हाट आर यू सर वॉट इज युअर रिलेशन विद दिस वर्ल्ड सर अहम कृत्स जगत प्रभव प्रलय तथा मीन्स इवन द इन बिटवीन द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन जो मेंटेनेंस है जो कुछ दिन तक चलती है ये सारा जो है मेरे से कॉज रहे सो आई द पुरुष दिस इज द प्रकृति एंड थ्रू दट प्रकृति आई एम क्रिएटिंग द होल वर्ल्ड एंड अगेन एवरी थिंग इज डिजॉल्व बैक इन टू मी ओनली अहम कृत्स जगत प्रभव प्रलय तथा सो द लॉर्ड इज वाट ये जीवभूत प्रकृति ही है, या अपरा प्रकृति है ये दोनों नहीं है भगवान ये दोनों जब आप देखते हो बी अटेंटिव उनको जवाब देने के लिए ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं ऐसे बताना पड़ता है क्योंकि यही सत्य है बट परमात्मा के दृष्टि से देखो तो उनके अलावा और कुछ नहीं है जो आगे श्लोक में हमको बता रहे हैं। दृष्टिया सारे होना है अभी दृष्टि क्या है हमारा गॉड इज डिफरेंट वर्ल्ड इज डिफरेंट आई एम डिफरेंट एंड कुछ लोगों के लिए तो गॉड हाई इज नहीं हाई एंड वर्ल्ड ओनली आर देर एंड फॉर मोर वर्स पीपल वर्ल्ड इज देयर ओनली फॉर मी टू एंजॉय एंड दे मोर देन एंजॉइंग सफर ओनली सो द अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ आई एम ऑल्सो देर वर्ल्ड इज देर गॉड इज देयर सेकंड अंडरस्टैंडिंग क्या आई एम मेड बाई दीज एट थिंग्स वर्ल्ड इज मेड बाई दीज थिंग्स देन टू आर द अपराकृति थर्ड पॉइंट है टू बिलोंग टू गॉड एंड फाइनल थर्ड में फ्रॉम गॉड पॉइंट बैक इन टू हिम कृष्णस जगत प्रभाव प्रलयस्त था एंड फ्रम परमात्मा दृष्टि परमात्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या समझदारी है पूरा जगत के बारे में कहते हैं मत्त परतरम नेक्स्ट श्लोक जो सातवा श्लोक है सारे भगवत गीता में अगर आप 11 श्लोक या 10 श्लोक इंपॉर्टेंट सुनते हैं उसमें से एक श्लोक है वेरी इंपॉर्टेंट ये श्लोक भी और इसी तरह से सातवें अध्याय के बाद नौवे अध्याय का सातवां श्लोक भी दसवें अध्याय का भी ये सारे अच्छे अच्छे श्लोक हैं तो भगवान कहते हैं मत्त परतरम मत्त अन्यत मत्त किंचित नस्ती धनंजय हे धनंजय धनंजय मतलब कौन है धनंजय अर्जुन क्यों है हम सब नहीं है क्या जिंदगी भर धर्म धनमजया वैसे, वैसे बोलते विद्या का धन का अर्चना करो साधना का धन को अर्चना अर्चना करो ये धनंजय है ना ड्यूरिंग द राजसूय याग जब दृष्टि जी ने किया अर्जुन इज द वन हुट ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफीटेड एवरीबडी एंड ब्रॉट मैक्सिमम वेल्थ जिसको देखकर ही दुर्योधन को जलसी हुआ एंड ऑल द महाभारत स्टार्टेड तो यू हैव कॉन्कर्ड ऑल दट वेल्थ नो डाउट बट ये ज्ञान का धन तुमने जीता क्या एंड दिस इज द रियल ज्ञान का धन है दिस इज द रियल धन वो तो आता जाता है हेल्प नहीं करेगा वट इज द रियल नॉलेज व्हाट इज द रियल वेल्थ मत्त परतरम परतरम मीन्स सुप्रीम टू मी ग्रेटर देन मी अन्य मीन्स इक्वल टू मी एंड अदर देन मी किंचित मीन्स लोअर देन मी स्मॉलर देन मी दिज आर ओनली थ्री थिंग्स जीवन में क्या रहते हैं कंपेरिजन में मेरे से नीचे रहेगा छोटा या मेरे से समान वाला रहेगा मेरे से ऊंचा रहेगा तो भगवान कहते हैं मत्त परतरम नहीं है मत्त अन्यत भी नहीं है मत्त किंचित अपनी ना अस्थि हे धनंजय इज नथिंग अदर देन मी देन हाउ द होल वर्ल्ड इज इन मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा जैसे सूत्र मीन्स धागे में थ्रेड में मणिगण जिस तरह से पिरोए जाते हैं या में जो गार्लैंड पुष्पों का अलग अलग जैसा पिरोया जाता है उस तरह से मेरे ही अंदर ये सारे जो है मणिगणों के समान पिरोए हुए हैं एंड डिफरेंस क्या है थोड़ा सा इस मणिगण सूत्र का एग्जाम्पल फूलों का एग्जाम्पल और भगवान के एग्जाम्पल में वहां सूत्र और मणिया अलग अलग होते हैं लेकिन इस केस में सूत्र भी भगवान है मणिगण भी भगवान है और सूत्र जो है दट इनएक्सप्लिकेबल दट इनफाइनाइट ट्रूथ है और मणिगण क्या है उनके परा और अपरा प्रकृति के द्वारा वही उस रूप में ट्राई टू इमेजिन ए गोल्ड एन नेक विद गोल्ड ओनली इमेजिन इट बिकॉज़ ये इतना कॉस्टली हो गया <laughs> है ना गोल्डन नेकलेस क्या है सूत्र हर देखो जो व्यक्ति सूक्ष्म दृष्टि वाला है उनको सिर्फ मणिगण दिखते हैं धागा नहीं दिखता है इज इट नॉट एंड द फैक्ट इज नाट अगर वो धागा नहीं है तो मणिगण वो स्टैंड कर ही नहीं सकते हैं वन ऑफ द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स फॉर विचार तो एवरी इंडिपेंडेंट बीड फॉर इट्स ओन पर्सनल एग्जिस्टेंस ऑल्सो और उसको दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए भी जो सूत्र है जो बीच में रिलेशन है वो परमात्मा ही है प्लीज रिमेंबर इट हु इज रिलेटिंग यू एंड मी इट इज ही हु इज रिलेटिंग एंड हुई इज इन मी बिकॉज ऑफ विच आई एम हेयर वो बिकॉज ऑफ विच दैट इज ही ओनली तो मत्ता परतरम नान्य किंचित मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा है न पहनने के लिए नेकलेस चाहिए उसके लिए आप उसी सोने को एक धागा बनाया और एक मणि वगैरह बनाया उसमें पिरोया आप लगाए और उसके बाद गोल्ड को ही भूल गए कितना प्रॉब्लम है ना इन द सेम वे दट रियालिज द ट्रुथ जो है इस परा अपरा प्रकृति के द्वारा जगत के रूप में एक्सप्रेस्ड है वी आर फरगॉटन इट इतना भूल गए उनको और हमारे मन बुद्धि को इस परापरा में इतना फंसाया कि हमारे मन इतना स्थूल थिक हो गया कि इवन टू लिजन अबाउट द गॉड वी नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ है कि नहीं लोग परमात्मा के बारे में सुनने को भी तैयार नहीं है उतना थिक हो गया उनका वो उनमें अंभी हो सकते हैं उनका माइंड लिबरेटिंग नॉलेज इसको जानने का कुछ जानने का नहीं होता है so, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव सो so, अपरा प्रकृति भी वही है परा प्रकृति भी वही है अपरा परा प्रकृति से पूरा दुनिया बनता है और सब भी परमात्मा से ही है उन्हीं का रूप है वही सब जगह पे व्याप्त है बट ये क्या है थियोरिटिकल विज्ञान ज्ञानम हो गया है चैप्टर का नाम है विज्ञान योग भी है विज्ञान के लिए क्या है देन हाउ टू एक्सपीरियंस इट देखो एक्सपीरियंस तो क्या होना चाहिए फाइनली कि सब वही परमात्मा है उनके अलावा और कुछ नहीं है बट सब जगह पे वो एक्सपीरियंस होने के लिए बी अटेंटिव कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है नहीं वेयर टू स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट यहां आगे वाले श्लोक से भगवान जो है हमको कितने श्लोकों में एक दो तीन चार श्लोकों में पूरे पंद्रह हमको पॉइंटर्स दे रहे हैं अब विज्ञान दे दिया हमको पहले नॉलेज का महिमा बताया उसके बाद नॉलेज क्या है बताया और उस ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए प्रैक्टिस क्या है विज्ञान क्या है साधना बताया और जो व्यक्ति जो पहला लाइन में बताया मैं आसक्त मनाह मदाश्रेय योगम व्युंजन ये तीनों क्वालिटी लेकर ये जब साधना करेगा ना देन ही विल एक्सपीरियंस इट है ना पहले विथड्रॉइंग फ्रॉम द वर्ल्ड देन इंट्रोवर्टेड देन थिंकिंग देन नोइंग गॉड एंड देर आफ्टर एवरीथिंग इज सीन एज गॉड देन ही विल डांस ओनली इन दिस वर्ल्ड अभी भी हम डांस कर रहे हैं क्योंकि इधर से गर्मी उधर से सर्दी उधर से प्रॉब्लम ये वाला डांस नहीं रहेगा वो तो भगवान शिव का तांडव की तरह डांस रहेगा ही हमने प्रकृति तांडव करती है तो हम दुखी होते हैं है कि नहीं अब शिव जी का तांडव क्या है वो तांडव करते हैं तो प्रकृति पूरा डर जाती है भाई बिकॉज ही न्यू वॉट इज ही जब खुद को जाना फिर परा, परा परा प्रकृति तो वाले खेल ही हो जाता है तो व्हाट आर द टेक्निक्स एंड साधनास टू एक्सपीरियंस दिस एक्सपीरियंस क्या करना है मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा दिस इज द गोल है ना यह ज्ञातवा नहीं यह भूया अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्य जिसको जानकर कुछ जानने का नहीं होता है वो ज्ञान कौन सा है वही है मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा दर वाटर बट एवरीथिंग मत्तः परतरं मत्तः अन्यत् मत्तः किञ्चिद नास्ति ये जो एक ये जो अद्वैत ज्ञान जो है यह इस श्लोक में भगवान ने बताया एंड हाउ टू डू दैट स्टार्ट दिस वे द प्रैक्टिस व्हाट इज दैट रसह अहम अप्सु कौन्तेय हे कौन्तेय दिस इज योर बिगनिंग व्हाट इज द बिगनिंग अप्सु अप्सु मींस वाटर पंजाब उसी शब्द से आया अप मींस वाटर पंच आपह है ना झेलम चेनाब रावी सतलज ये सब पांच व्यास तो पंच आप पंजाब अपमी वाटर वाटर इज अ वाटर बिकॉज ऑफ द रस इन दट टेस्ट है ना पानी में टेस्ट नहीं होता लेकिन पानी के कारण ही सब टेस्ट होता है और टेस्ट ही पानी के रूप में है तो रस ही बी अटेंटिव जल के रूप में वहां एक्सप्रेस हो रही है इसलिए आप जब कुछ खाते हो जब तक वो सेले नहीं आता है टेस्ट पता नहीं चलता ड्राई टंग पे कुछ लगा के देखो अब नहीं अब स्वामी जी ने मौका दिया निकाल लिए बाद में तो यो टेस्ट है ओनली एंड वन द मूमेंट द वाटर कम्स यू नो द टेस्ट सो पानी में टेस्ट है टेस्ट ही पानी के रूप में है बिना दट रस गुण पानी नहीं रह सकता एंड दट रसात्मक जो गुण है पानी में वो मैं हूं ये अर्जुन ये सत्य है ये तुम्हारे लिए साधना है स्टार्ट दट सो वेन यू ड्रिंक वाटर

नो चैप्टर विज्ञान योग क्या बढ़िया अध्याय है ने बोला और उन्होंने ये पॉइंट्स मिस किया ही ये इसको कराने के लिए ही, सनातन में जो भी नदी है उसको देवता के रूप में करते हैं ना गंगा मैया है गोदावरी कृष्णा कावेरी यमुना इन सबको मथा टेकतेन टेक बात पहले नमस्कार प्रणाम कभी गए होंगे नदी में गंगा जी के पास दूर से देखे होंगे <laughs> ठंडा ठंडा टेक बात एंड वाइल्ड टेकिंग बात रसो हम अपसु ये परमात्मा ही है ऐसा भावना करो फिर वापस भी आना सत्संग सुने <laughs> गए <गे? laughs> गंगा सागर रसो हम अपसु कौंत देन प्रभा अस्मि शशि सूर्य यो हो तो चंद्रमा शशि सूर्य सूर्य भगवान कैन यू इमेजिन सन एंड मून विदाउट लाइट

एवरीडे सुबह उठकर वो भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं ओम भूर भो स्वाहा वगैरह पढ़ते हैं इट सो टू गिव दिस ट्रेनिंग सो दैट बचपन से ये संस्कार जब देकर प्रैक्टिस किए जाते हैं बाई द एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ही विल बिकम सच ए स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड पर्सन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर और जब परमात्मा का सब जगह पे ज्ञान समझदारी आ जाती है वो जो क्रूशियल एज है ट्वेंटी से लेकर फिफ्टी तक ही विल लिव ए डिसिप्लिन लाइफ फॉर हिमसेल्फ एंड एवरीबडी और उसके बाद वाले समय जो है जो वाना का समय है संन्यास का समय है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही साधना हो जाएगा भगवान ईजिली उनको ध्यान में मिल जाते हैं बिकॉज कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे पहले अब क्या है पहले नॉलेज नहीं है इसलिए बहुत बीच में गड़बड़ किया है और उस गड़बड़ को अंडू करने में ही पूरा जिंदगी गया अभी ध्यान लगे नहीं दैट इज वाई दिस नॉलेज टू बी गेन्ड एज अर्ज पॉसिबल प्रभास्मी शशि सूर्य देन प्रणव सर्व वेदेशु सारे वेदों का रस सार ओंकार में है एक ओंकार सर्व वेदेशु कहा जितने भी चार वेद उसमें उपवेद कितने भी हैं उन सब का मूल है वेद ओम ही है प्रणव ओंकार एंड ओम इज नॉट दैट व्हिच चैंट करते हैं ओम इज दैट इनर अनुभवा ऑफ दैट फाइनर मोस्ट साउंडलेस साउंड अनटचिंग साउंड मतलब साउंड विदाउट टच अनहद बोलते हो आप अनाहत ध्वनि आहत मीन टचिंग जब टच होगा दो वस्तुओं का तभी शब्द होता है ऐसा कहो ऐसा कहो बट देर इज ऐ सूक्ष्म परावाणी है जो बिना आहत का वो वहां सुनाई देता है उस अनाहत ध्वनि या अनहद नाद वही है ओंकार एंड देट इज अ फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ परमात्मा और उसी में से ये सारा अपरा प्रकृति भी पराप्रकृति भी और सारा विश्व भी बाहर निकला है एंड ये सारे बातें जितने समझे या ना समझे ये समझ लेवे कि ले सारा वेदों का सार है और ये ए ओम परमात्मा ही है देर फोर इस प्रणव का धीरे धीरे उपासना हम करते रहेंगे तो भगवान हमको मिल जाते हैं डेली दस बार ग्यारह बार उच्चारण करो फिर उनको अपने ही कान से सुनो फिर धीरे धीरे कहना बंद करो अंदर जो ओमकार है मन के लेवल पे उसको सुनते रहो वेन वी एंटर इन टू दैट लेवल ऑफ लिजनिंग टू ओम क्या होगा फिर पूरे विश्व भी हमको उस ओंकार के ध्वनि के रूप में ही दिखाई देगा तो इवन इफ संबड कोर्स तुम बुद्धू हो तो फॉर हिम यू ही सेट बुद्धू बट फॉर यू ओम कितना बड़े लाफ ओनली थैंक यू बोलोगे <laughs> क्योंकि ओम बोला तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट वे तो प्रणवाह सर्व देन देश के आकाश शब्द के बिना नहीं होता है शब्द तन्मात्रा से ही आकाश आया है तो उस आकाश का शब्द तन्मात्रा जो है वो भी परमात्मा है एंड पौरुषम नृषु पुरुषों में पुरुषत्व पुरुषत्व मीन्स दैट स्ट्रेंथ एंड दैट एनर्जी जो वाइटैलिटी है जिस कारण से वो पुरुषार्थ करता है वो पुरुषों में पौरुषत्व पुरुष स्त्री नहीं बड़ी दट तो तो जीव का जो है ना संस्कृत भाषा में वो जीव को मैस्कुलाइन शब्द में यूज करते हैं जीव का जेंडर नहीं होता शरीर का जेंडर होता है टिंग द पॉइंट जेंडर इज टू दॉडी नॉट टू दीड एम्बॉडी जेंडर बट उनको संस्कृत में पुरुष बोलते हैं जो मैस्कुलाइन वर्ड है इसलिए उनको पावरुषम, रुषु. तो वो जो पुरुषत्व जो है जो मेहनत करने का कैपैसिटी है वो भी परमात्मा है तो कितने दिया हमको इसमें साधनाएं अपसुरसहा शशि सूर्यो प्रभा सर्वेदेशो प्रडवाहा खे Five ऋषु पौरुषम फाइव साधनाडी जब भी हम पौरुषत्व से कुछ काम करते हैं वो भगवान ही है करते रहो मानते रहो उसी तरह एनी करते, करते, का उसमें दर्शन करें वी आर नॉट सिंसियर इन दिस इसलिए हमको भगवान नहीं मिलते वट एवर इज सेट फिर दैट अ ब्यूटिफुल स्मेल ऑन द पृथ्वी द फर्स्ट रेन जब होता है गंध तन्मात्रा से पृथ्वी आया है एंड दैट स्मेल भगवान ही है देन विभाव सौ तेजहा

So, विभाव सो तेजा असमी सो so, पृथ्वी में गंध भी भगवान है स्मेल गंधा एंड देन विभाव में पावर इज देयर गॉड देन जीवनम अरे बाबा इतना क्या कहे इन ऑल द बीइंग्स बींग लाइफ प्रिंसिपल है ना जिस कारण से वो ऐसा कहता है ऐसा कहता है ऐसा कहता है <laughs> पहला ऐसा कहता है ऐसा कहता है ऐसा कहता है ये सहारा कौन कर रहा है जीवनम द लाइफ इवन इन द लीफ लाइफ में है लीफ में भी वाइब्रेंट लाइफ है ये जो ना कोई भी लीफ को ऐसा थोड़ेगा नहीं हम करते हैं कि नहीं जाते जाते किसी का घर अपना घर नहीं है किसी के घर गए बढ़िया सा क्रोटन वगैरह प्लांट्स लगाए हम हाथी की तरह बिना कोई वजह का करते दोज यू नो दिस थिंग ना दे वॉन्ट डू दैट इवन द लीफ देर इज इवन द मॉस्किटो भी दे विल नॉट किल बिकॉज उसमें भी भगवान ही है बट स्वामी वॉट अबाउट डेंगू यू कीप यर हाउस क्लीन फिर मच्छर समझेगा याद में बेकार तो चला जाएगा वो इतना गंदा रखते हो तो मच्छर को अरे ये तो अपना घर है देख चिपकली है सारे हाउ मच वेर सब जो दिस हाउस इज सो क्लीन वो नो बट इज देयर है क्या देखो डोट गेवी वी ओनली वेलकम देम एंड वी सफर एंड वी वॉन्ट टू किल एनी वे बाई दॉपिक है आइडिया इज वॉट दन इज सीन परमात्मा इन दिस एवरीवेयर इज टोटल लाइफ स्टाइल चेंजेस सर्वभूत तपस् तपस्विशु जो तपस्या कर रहे हैं ना व्यक्ति लोग उसमें जो तपस्या है उस, तपस्या है, उस तपस्या शक्ति वो भी भगवान है तपस तपस्यान्स एनी एफर्ट जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जो भी हम मेहनत करते हैं चाहे पर्सनल ग्रोथ के लिए या टोटेलिटी ग्रोथ के लिए दैट्स कॉल्ड कर तपस्या करते हैं हम है ना मदर सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है दैट्स तपस्या और वो पति नाश्ता बनने के बाद उठ खाता है कोई तपस्या नहीं है दैट इज नॉट हाँ वो खाना खाना तपस्या है दैट डिपेंड्स योर प्रारब्ध कैसे बना बट <laughs> अदरवाइज तपस्या थिंग इज इन दिस वर्ल्ड तपस्या है ना सर्दी में बॉर्डर पे कितने लोग मिलिट्री लोग सोल्जर्स खड़े होकर आउटसाइड कितना परेशान हो रहा है कि नहीं टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री कभी ख्याल रखा उनका प्रार्थना किया उनके लिए दड़ीज तपस्या कितने सारे डॉक्टर्स बेचारे एमरजेंसी में सर्दी में दे हैव टू सारे लोग इवन लारी चलाने वाले इफ दे डोंट ब्रिंक द मिल्क और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यू के नॉट इट ये लोग दिन रात चलाते धुंध में वन फाइव किलोमीटर स्पीड टेन किलोमीटर स्पीड चाय नहीं रहता वो लारी पे ना वो आईना भी नहीं रहता बेचारे ठंड से मरते अपन रूम में हीटर लगा के बट एवर सो ये जो तपस्या हो रहा है ये एक तरह का वर्ल्ड तपस्या एंड देन स्पिरिचुअल तपस्या जो सुनना है ये ये तपस्या है समझना है ये भी तपस्या है कि नहीं ध्यान करना इज ग्रेट तपस्या है इज ऑल दिस हु इज द वन हु इज डूइंग वो तप करा कौन रहा है वो भगवान ही है तपस्यास्वी तपस्वी उसी तरह सर्वभूता नाम बीजम विद्धि आई एम द सीड इन एवरी बीइंग एंड इज सच एन एंकरेजिंग सेंटेंस इफ यू अंडरस्टैंड इट क्या है सारे बीजों भूतों का बीइंग्स का बीज परमात्मा ही है तो उन सारे भूतों में हम भी आ जाते हैं फिर हम भी किनको बिलोंग करते हैं फाइनली टू तो गॉड ओनली जो उनको यह बात पता होता है विल दे हैव हाँ एनी कास्ट और रिलीजन डिफरेंसेस स्टेट डिफरेंस नेशनैलिटी उनको तो मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि डिफरेंस भी डिसअपेयर हो जाएगा फॉरगेट अबाउट मनुष्यों में डिफरेंस को सर्वभूता अहम बीजम है ना हम सबका जब पूजा करते हैं तो बताते पूछते हैं हमारे गोत्र क्या है हर एक व्यक्ति अपना ऋषि का गोत्र बोलते हैं ना इवन ऋषि भी फाइनल नहीं है हम सब भगवान को ही बिलोंग करने वाले हैं अब यह बात जब है तो गिल्ट का फीलिंग होगा ही नहीं हमको इनफीरियरिटी फीलिंग होगा ही नहीं इन द सेम वे दूसरों के प्रति भी और नीच भाव नहीं रहना चाहिए बीज माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम सारे बींग्स उस परमात्मा रूपी बीज से ही उत्पन्न हो रहे तो हमको किसी को डिसरेस्पेक्ट करने का राइट नहीं है डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब हम सरासर इग्नोरेंस है इग्नोरेंट है और अपनी इग्नोरेंस को बता रहे हैं क्लियरली इफ यू आर ह्यूमिलिएटिंग इंसल्टिंग समबड़ी इट इज अ क्लियर साइन दैट वी आर इग्नोरेंट फ्रॉम गीता स्टैंड एंड इफ यू आर लविंग नॉलेज हो या ना हो यू आर नॉलेजेबल अगर वो भगवान है करके आप रियली प्रेम कर रहे हैं तो यू आर ए जीवन मुक्त हो संत लोग उस दृष्टि से हमें बर्दाश्त करते हैं प्रेम भी करते हैं बीज अब माम स्वरूप कितना भी पागल हो क्या करो भगवान का ही बीज इनका बीज है चलो माफ दैट इज देयर प्रॉब्लम विद्धि पार्थ सनातन फिर बुद्धि बुद्धिमताम अस्मी ये तो भगवान तो अपने चट्टाई खींच लिया अपने पाव के नीचे से है ना सारे अकलमंद लोग इन ट्रू सेंस मानने वाले नहीं रियल जो है उन सबका बुद्धि मई हूँ बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मी है ना तो जिनको बुद्धि कम है समझदारी बढ़ाना चाहते हैं तो प्रे टू द लॉर्ड ही विल गिव अस और दसवें अध्याय में अभी बताएंगे तेजा शतयुक्ता भजता प्रीतिपूर्वक ददामी बुद्धि योगम सो बुद्धिर्बुद्धिमता उसी तरह तेज तेजस्वीनाम जो लोग जो पावरफुल होते हैं इन्फ्लुएंशल होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में उनमें जो तेजस है वो भी भगवान है एंड द नेक्स्ट टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट बलम बलवताम च अहम सारे स्ट्रेंथ स्ट्रांग पीपल में स्ट्रेंथ मैं हूं और कौन सी स्ट्रेंथ है, है, है वो काम राग विवर्जित प्लीज रिमेंबर स्ट्रेंथ जिसमें राग अटैचमेंट है कामना डिजायर है वो पशुओं में भी होता है राक्षसों में भी होता है इसलिए दैवी शक्ति में आसुरी शक्ति में डिफरेंस को समझ लेना काम नहीं है राग नहीं है फिर क्या है प्रेम है सेवा करने का इच्छा है वो उसके लिए जो बल है वो सारा भगवान का है वो जो फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो कुछ भी इंटेलिजेंस हो बलम बलोताम चाहम काम राग विराजितम एंड वंडरफुल पंचिंग वाला है कि धर्म अविरुद्ध भूत काम अहम अस्मी इवन द डिजायर इज ऑल्सो गॉड प्रोवाइडेड इट इज नॉट अगेन्स्ट धर्म इसको अंडरलाइन करना लिखो मुख्य बात क्या है ना कि अल्टीमेट फाइनल डिजायर जब निकल जाएगा तभी भगवान मिलेंगे ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता लेकिन नेगेटिव डिजायर से पॉजिटिव डिजायर बेटर है इसलिए अधर्म कामना से भी धार्मिक कामना जो है ये मैं हूं इसलिए भगवान कहते हैं यू कैन हैव दिस दिस है ना धर्मा विरुद्धो भूतेशु काम अस्मि भरतर्षवा तो हर एक व्यक्ति वर्ण आश्रम के अनुसार उनके मन के लेवल पे अलग अलग जो सस्टेनेंस के लिए जो कामनाएं होते हैं दे आर ऑल धार्मिक कामनाएं हैं ये सब भगवान ही हैं, लाइक गुरुदेव यू नो ई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस मिशन ऑर्गेनाइजेशन एक दृष्टि से वो कामना ही है आप चाहे कुछ भी उसका नाम दो कलरिंग करो बट वो धर्म का अविरुद्ध है वो विरुद्ध नहीं है इसलिए वो भगवान ही है ऐसे मानना है इवन आवर लाइफ ऑल्सो नो चिल्ड्रन आर देर टेकिंग केयर ऑफ देम दैट इज अ माइंड का संकल्प है संकल्प ही कामना है ये सारा धर्म का विरुद्ध है भगवान नहीं है धर्म का अविरुद्ध है तो वो भी भगवान है इस तरह से समराइज करते हुए कहते हैं ये पूरे वर्ल्ड को आप देखोगे तो तीन तरह के चीजें दिखते हैं सात्विक राजसिक और तामसिक ये सात्विक राजसिक तामसिक क्या है स्वामी जी तीन गुण है इनके बारे में और एक्सप्लेन करो फोर्टीन चैप्टर अभी इतना सुनो कि देर इज नॉलेज देर इज एक्टिविटी देर इज इनेशिया नॉलेज को सत्य बनो एक्टिविटी को रजोगुण गुण है और इनेशिया द्रव्य है वो तमो है ये तीनों ही मिलकर पूरा पृथ्वी है ये चाहिए चविका भाव चाहिए, मत एवं विदि देर आल फ्रम मी ओनली बट इतना डिफ्रेंस है उसमें मेरे में क्या है न तो अहम तेजु ते मई आई एम नॉट इन देम दे आर इन मी ये प्रिंसिपल भगवान जो है ये पूरे गीता में आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे दे आर इन मी मीन्स दे आर सपोर्टेड बाई मी आई एम नॉट इन दैम मीन्स आई एम नॉट कंडीशन बाई देम बाउंड बाई देम वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनके ऊपर आधारित नहीं हूं इस तरह से पंद्रह हमको एग्जांपल्स देकर उसके बाद और व्यक्ति जो सूक्ष्म बना साधक उनके लिए कहते हैं कि सात्विक राजसिक, तामसिक जितने भी भावनाएं हैं ये सारे भगवान से निकल रहे हैं सो द पॉइंट क्या हुआ सी लिजन द समरी ऑफ द होल टॉपिक क्या है? है सब भगवान ही लेकिन समहव वो पहले हमने किस कारण से स्टार्ट किया पता नहीं उसी भगवान में हम ना जगत को आरोपित किया और इतना आरोपित किया कि जगत ही है भगवान नहीं है अभी उसको गेयर रिवर्स करके क्या कर रहे हैं जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान ऐसे हमको साधना करने को कह रहे हैं और करते करते क्या होगा देखेंगे तो आप वस्तुओं को ही लेकिन उनको भगवान ही ऐसे अनुभव करोगे जैसा कि एक फेमस एग्जाम्पल जो हमेशा देता हूँ एल्बम हम देखेंगे वो एल्बम क्या है एक प्लास्टिक पाउच है उसमें फुटवा है वो फुटवा क्या है कागज है ना कागज वो पेड़ से कैसे बना हुआ है और उसमें कुछ कलर्स है हा? वो व्हाइट कागज पे काला कलर लगा है ऐसा मैं बोला मानो आपका फोटो देखकर खाना दोगे मुझे <laughs> भगाओगे मुझे क्या कहना पड़ेगा अरे वाह आप तब भी सुंदर थे अब भी सुंदर है आगे भी रहेंगे ऐसा बताऊंगा तो स्वामी जी के लिए और एक मिठाई। पेपर बट वॉट यू से इट स्वामी जी देखा क्या देखा देखने लायक ही नहीं <laughs> And the मोर आई अप्रिशिएट they मोर इंस्पायर्ड स्वामी जी और पांच एलबम है अरे बाबा भूख लग रही <laughs> और कंडीशन जब तक एल्बम सब नहीं देखोगे तब तक पाने भी नहीं यू सींग पेपर बट वट यू से मिरर में सींग द रिफ्लेक्शन बट दट वे वी सी द वर्ल्ड दर्ल्ड एक्सपीरियंस इज द गॉड ओनली और मी ओनली ये है हमारा लक्ष्य है क्योंकि वहीं से हम नीचे उतरे हैं ये समग्र ज्ञान है यही संशय रहित ज्ञान है ये जानेंगे तो मुक्ति है मैंने आज थोड़ा सा किया हमारे पास सात दिन है तो इसलिए कल के दिन ये अध्याय करके आठवा भी थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो परसों का हो जाएगा दिस इज हाउ वी विल सी सिक्स चैप्टर्स इन सेवन डेज सर्वम गुरुचरण अरविंद आज पहले दिन थोड़ा ट्यूनिंग के लिए है कल के दिन कंप्लीट करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्दाय पूर्णमेवावशिष्यतेम शांति 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 हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम